नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंगल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, उसकी जो है एनालिसिस करेंगे और निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स जो है ट्रेड कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज जो है एक नवा स्टॉक लेकर आने वाला था, बट मेरे को काफ़ी कॉल आ रही थी कि सर हम इंडसइंड बैंक खरीद लें, सर हम HDFC बैंक खरीद लें, सर हम ITC में इन्वेस्ट कर लें और हम एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट कर लें। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी 50 में जितने स्टॉक हैं मैं टोटल सबकी एनालिसिस करके आज आपको बता दूं, ताकि आपके मन में जो भी कोई क्वेरी वगैरह हो वो क्लियर हो जाए कि अभी खरीदना है या नहीं खरीदना है, या फिर इसको भी सेल करके चलना है, या मार्केट और डाउन हो सकती है। तो मतलब जो कोरोना वायरस ने अपनी मार्केट पर इफेक्ट डाला हुआ है तो उसके बारे में आज हम सारी बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो लंबी या थोड़ी जरूर हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, A to Z स्टॉक के जो है, मैं फिर निफ्टी 50 में जो है स्टॉक उनके सबके बारे में एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें, जो है मतलब आपके बात जो है अच्छे समझ में आएगी और जो है आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना कर बैठें। तो चलिए, सबसे पहले आज हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी देखिए, आप जैसा देख सकते हैं एक चैनल में काम कर रहा था, और ये जो चैनल में काम कर रहा था ये जब निफ्टी 2008 में जब क्रैश हुई थी उस टाइम से ही निफ्टी ने जो है एक चैनल बनाना चालू कर दिया था। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने 2008 से सितंबर 2008 से जो है 2020 तक जो है मतलब मैंने ये 20 साल का चार्ट जो है आपके सामने जो है ओपन करके रखा हुआ है। तो अभी जो है मतलब देखिए, एक ग्रीन कैंडल वीकली जो है बन गई है, उससे हमको जो है ऐसा नहीं कुछ मान लेना है कि मार्केट में जो है तेजी आ जाएगी, क्योंकि देखिए मामले जो है अभी भारत में सुधरे नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू जो है कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यू केसेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी देखिए, हम निफ्टी पर बुलिश तब होंगे जब निफ्टी जो है मतलब यहाँ पर वीकली दो ग्रीन कैंडल बना दे, या फिर कोई ऐसा पैटर्न कोई एक बनाए जिससे हम मतलब उसको एक बुलिश हो सके। देखिए, बुलिश के ट्रेड हम जो है बाइंग के जो ट्रेड होंगे वो हम सिर्फ इंट्राडे के लिए लेंगे, जो पोजिशनल के लिए जो ट्रेड है अभी हम उसको जो अवॉइड कर रहे हैं। अभी जब हमको मतलब टोटली कंफर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद जो है हम निफ्टी में जो है पोजिशनल या फिर किसी अन्य स्टॉक में जो है पोजिशनल सिचुएशन अपनी बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम बिल्कुल अभी अवॉइड कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 2008 से लेकर 2020 तक निफ्टी जो है कंटिन्यू एक चैनल में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो देखिए एक मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई है, और ये सपोर्ट जो है ये नियर अबाउट 7800 के नियर अबाउट है। देखिए, जो मैंने निफ्टी की पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जो है मैंने आपको लेवल दिए थे कि निफ्टी का जो लेवल है 7800, 7500, उसके बाद फिर सीधा 6800 का हमको मैंने लेवल दिया था। बट आपने यहाँ पर देखा कि 7800 से जो है निफ्टी यहाँ पर रिवर्स हुई और यहाँ पर जो है एक ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। देखिए, अब निफ्टी जो है अगर 9000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, निफ्टी अगर 9000 के ऊपर 9000 के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू कर दे तब तो हम इसमें जो है बाइंग की तरफ देख सकते हैं। हमारी जो मेन बाइंग होगी वो जब निफ्टी 10000 क्रॉस करेगी तभी हमारी मेन बाइंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज जो है हम सिर्फ इंट्राडे में ही बाइंग के स्टॉक्स बाइंग में इंडेक्स में जो है बाइंग की सिचुएशन बनाएंगे, अदरवाइज जो है जो पोजिशनल है पोजिशनल में अभी जो है बाइंग की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अभी देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी इसने जो लो लगाया था मैंने को बताया था 7800, 7500 और जो है 7500 के बाद 6800, तो निफ्टी ने 7800 का भी लेवल टेस्ट किया और 7500 का भी लेवल टेस्ट किया। तो अभी देखिए, देखने वाली बात क्या है, अभी अगर निफ्टी जो है 7500 के बाद दोबारा अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हम ऑब्वियसली इसमें जो है सेल साइड का ही ट्रेड बनाएंगे, और जो है कहां तक बनाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। अभी देखिए, हमारे पास जो अगला सपोर्ट है वो अगला सपोर्ट हमारे पास ये है, ये जो इसका लो लगा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, और ये नियर अबाउट 7000 के आसपास में है। और उसके पास अगर एक हम शॉर्ट टर्म छोटे व्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास एक यहां पर भी ये सपोर्ट निकल कर आ रही है, ये देखिए ये जो सपोर्ट है मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूं। सॉरी, ये लेवल तो ट्वाइस टेस्ट हो ही चुका है, 7500 का लेवल टेस्ट हो चुका है। तो अभी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट होंगे वो सपोर्ट होंगे 7200, और 7200 के बाद जो है 7000 का। अभी 200 पॉइंट के गैप पे अपने को चलना है, 7500 का लेवल ब्रेक करती है तो हमको जो है 7200 और 7200 के बाद जो है हमारा 7000 का जो है हमारा टारगेट है। बट अभी ये मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं, अगर निफ्टी इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो, बट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, चलिए आइए हम इसका जो है वनडे का चार्ट देख लेते हैं, वनडे के चार्ट में ये जो है क्या कह रहा है। तो
तो ये देखिए यहां पर जैसा कि आपने देखा निफ्टी जो है 9000 के लेवल पर गई कल, बट 9000 के लेवल पर ये सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखना अपने को ये है कि जब ये 9000 का लेवल जब क्रॉस करती है तब हम इसमें हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अभी जो है किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में बाइंग की पोजीशन बनाने से बचें। तो चलिए आइए अब जो है हम निफ्टी 50 में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं जिसके बारे में बहुत सारी क्वायरियां आ रही हैं, मैं उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए ये जो है मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ फिर आपको जो है बताता हूँ अच्छे से। सॉरी चलिए अभी नहीं हो पा रहा है ये। चलिए अब हम बात करते हैं अडानी के बारे में, ठीक है। तो ये सॉरी एक मिनट, एशियन पेंट, चलिए आइए एशियन पेंट के बारे में देखते हैं। अभी मैं जो आपको ये जो है एनालिसिस करके बताऊंगा, ये एनालिसिस जो होगी ये वीकली चार्ट पर होगी, क्योंकि वनडे के चार्ट में जो है मतलब पिछले लेवल दिखाई नहीं देंगे, तो इससे जो है मतलब चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो मैं जो है आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये चीजें जो है मैं आपको सारी वीकली चार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पर जरा गौर करिएगा, एशियन पेंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जो एशियन पेंट है, एशियन पेंट हमने ये जो ड्रॉ करके रखा हुआ है इधर, ये देखिए अब एशियन पेंट ने जो इसने लो लगा के रखा हुआ है ये 1431 रुपए का है। अभी देखिए अभी मेरा जो टारगेट है एशियन पेंट पर मैं भी बुलिश नहीं हूं। ये जो आप देख सकते हैं नीचे से एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन आ रही है, एशियन पेंट में भी इसको टच कर सकती है, अदरवाइज अगर इसका हाई क्रॉस करती है 1600 या 1700 रुपए क्रॉस करती है तब हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे। मैं इंट्राडे की मैं ये स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, वो इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें पोजीशन भी बनानी है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो देखिए अभी यहां पर मैं इसमें बिल्कुल बाइंग की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं नीचे से जो ट्रेंड लाइन आती हुई देख रहे हैं ये मे बी इसको टच करने के लिए आ सकता है, और जब यहां पर इसको टच करने के लिए आएगा और यहां पर कोई आपको हैमर टाइप के कैंडल और कोई अदर कन्फर्मेशन कोई आरएसआई कन्फर्मेशन मिलती है तब आप यहां पर जो है बाइंग का स्टॉक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें अभी बाइंग की पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइए। नेक्स्ट है हमारा जो है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए जो है अपने हाई लेवल से कितनी बुरी तरह से टूटा है, ये जो है 800 और 825 के लेवल तक ये गया था। अभी देखिए इसमें अभी क्या सिचुएशन है, अभी जो इसकी जो सपोर्ट है यहां पर ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये सपोर्ट एग्जैक्टली जो है इसने यहां, हाँ सॉरी अब ठीक है, तो इसने जो है सपोर्ट जो इसकी 300 के नियर अबाउट थी और इसने जो है 300 का लेवल जो है ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद इसने 286 का जो है लो लगाया था। तो अभी जो है इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि आप जो है बाइंग की जो है कुछ सिनेरियो कुछ बनाए, बट यहां पर अगर वनडे के आप चार्ट में सॉरी वीकली के चार्ट में देखेंगे तो आपको यहां पर एक हैमर कैंडल दिखाई देगी। तो हैमर कैंडल जो है एक बुलिश का साइन होता है, बट अभी हमको इसके अंदर एंटर नहीं करना है बिकॉज क्योंकि ये हैमर कैंडल काफी बड़ी है और यहां पर अभी कुछ टाइम तक मेरे को लगता है एक्सिस बैंक यहां पर सस्टेन करेगा। अगर आपको ये स्टॉक 286 रुपए के नीचे मिलता है तो आपका इसमें जो टारगेट होना चाहिए वो 230 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, 250 रुपीज का, उसके बाद 230 रुपीज का टारगेट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो देखिए बजाज ऑटो का जो ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है मैं आपको ड्रॉ करके यहां पर दिखा देता हूं, ये है सपोर्ट। तो नियर अबाउट इसने अपने सपोर्ट को यहां पर इसने भी टेस्ट कर लिया है। तो देखिए आप जो है इस टाइम में जितने भी स्टॉक देखेंगे नियर अबाउट अभी वो अपने किसी न किसी लेवल पर ही खड़े हैं, किसी न किसी सपोर्ट पर खड़े हैं, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस ने जो इफेक्ट डाला है मार्केट पर वहां पर कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। और अभी जो है मतलब नियर अबाउट मैंने कल सारे स्टॉक चेक किए थे, नियर अबाउट 200 स्टॉक मैंने कल चेक किए थे, तो उसमें मैंने ये देखा कि स्टॉक्स जो है नियर अबाउट सारे अपने सपोर्ट पर खड़े हैं। अगर इसके बाद ये सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो आपको जो है काफी भारी मंदी देखने को मिल सकती है, जिसकी मैं कामना नहीं करता हूं कि ऐसा ना हो, बट जो है मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो अभी देखिए यहां पर जो है इसका जो लो लगा हुआ है वो लो लगा हुआ है 1788 रुपए का, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसमें आपका जो है टारगेट अगर पोजिशनल में लेके चलते हैं तो 1680 रुपए का, मतलब आप यहां पर 100 रुपीज के टारगेट के लिए इसको सेलिंग में इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए हमारा बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस भी ये देखिए मैं इसका भी एक इधर लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। लेवल देखिए मेरे सारे ड्रॉ थे, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए सारे रेस करके रखे हुए थे कि मैं आपको जो है अच्छे से बता दूंगा। यहां पर ये देखिए जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन थी ये 2016 से 2020 की थी,
तो नियर अबाउट 4 साल की ये जो ट्रेंड लाइन थी, और अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए ये सपोर्ट जो है इसका 2000 रुपीज पर, तो 2000 रुपीज के नियर अबाउट आकर इसने सपोर्ट लिया है। अभी अगर 2000 का लेवल देखिए, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप चीजों को समझिए। क्योंकि देखिए 1000, 2000, 3000, 4000 ये जो होते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, और मार्केट जो है अधिकतर साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काम करती है। तो एक तो सपोर्ट 2000 का, ऊपर से ये साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये चीजें जो है इनको जो है काफी मजबूत बनाती हैं। तो इसलिए जो है आप 2000 अभी इसमें जो देखिए बाइंग की सिचुएशन इसमें कोई दिखाई नहीं दे रही है, ना ही ऐसा कोई कैंडल दिखाई दे रहा है कि आप मतलब मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि इसमें बाइंग करिए। बाइंग की सिचुएशन बिल्कुल मत करिए। हाँ, अगर आपको ये जो है 2100 के नीचे मिलता है तो आप इसमें इंट्राडे में 2000 के टारगेट के लिए आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बजाज फिंसर्व है। बजाज फिंसर्व भी देखिए सेम ऊपर एक जो है चैनल में काम कर रहा था। चैनल में काम करने के बाद ये देखिए चैनल ब्रेक हुआ है, और ये चैनल जो है आपको बता दूं अभी 2016 से ये चैनल कंटिन्यू काम कर रहा था। तो अभी ये जो है देखिए चैनल ब्रेक हुआ है। चैनल ब्रेक होने के बाद ये जो सपोर्ट है ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी सपोर्ट पर आगे खड़ा हुआ है, और यहां पर आप देखेंगे कि आप तो यहां पर आपको यहां पर एक हैमर टाइप की ही कैंडल दिखाई देगी, बट ये हैमर टाइप की कैंडल अभी उतनी पुख्ता नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब हम इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और अपने पैसे अभी नहीं लगा सकते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको 2-4 स्टॉक्स में जो है बताऊंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आपको जो है एक मुश्त में मीन्स वन टाइम में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो आप जो है 25% के 4 पार्ट में आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो प्राइस की जो है एवरेज हो जाएगी, और जो है आपको जो है मतलब एक सही रेट में कोई भी स्टॉक मिल सकता है। तो देखिए, अगर इस समय अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं और आपका मूड है कि मतलब मार्केट ने शायद बॉटम आउट कर दिया है, तो मतलब आपके लिए मैं कुछ स्टॉक जो है मैं एडवाइस कर देता हूं। देखिए उन स्टॉक में जो एक आ जाता है एक्सिस बैंक, दूसरा बजाज फाइनेंस, तीसरा बजाज फिंसर्व, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूं, बजाज फिंसर्व के बाद HDFC में कर सकते हैं, HDFC बैंक में कर सकते हैं, ठीक है, ये 5 स्टॉक हो गए। इन्फोसिस में कर सकते हैं, इन्फोसिस ठीक है, कोटक बैंक में कर सकते हैं, कोटक बैंक के बाद ये 7 हो गए, और ये रिलायंस में कर सकते हैं 8, रिलायंस के बाद TCS 9 और टाइटन 10। ये 10 स्टॉक जो है मैंने आपको एडवाइस कर दिए हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो 2025 के जो है मतलब आप 25% आज, 25% फिर मार्केट थोड़ी और गिरती है उसके बाद करिए, मतलब इस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आप मतलब देखिए इन्वेस्ट करने का, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब ये टाइम सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का देखिए बहुत अच्छा टाइम है। बिकॉज जो देखिए जो बहुत अच्छे जिसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, जो 10 स्टॉक मैंने आपको ये बताए हैं इनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और जो है मतलब देखिए इनका मतलब नीचे तो चलो ये तो मार्केट है सुप्रीम है, मतलब ऊपर नीचे ये होती रह सकती है, बट आपने जो है मतलब 25% के हिसाब से जो है इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, ठीक है ना। तो अगर चाहें आप आज से इन्वेस्ट करना अपना चालू कर सकते हैं, इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल जो है इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए। देखिए सेविंग बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, सो सेविंग की तरफ बिल्कुल फोकस करिए। बीपीसीएल में देखिए क्या हो रहा है, बीपीसीएल में अभी देखिए इसमें कोई भी आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि जैसा आप यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर 1 बॉटम 2 बॉटम 3 बॉटम, यहां पर ट्रिपल बॉटम बन चुका है। ट्रिपल बॉटम बनने के बाद अगर हमको यहां पर कोई बुलिश डाइवर्जेंस RSI में दिखाई देता तब तो हम इसमें जो है बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। अदरवाइज जो है अभी मैं बीपीसीएल में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं अगर ये 250 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको ये 200 के लेवल भी दिखा सकता है, सो इस स्टॉक से जो है दूर रहिए। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में देखिए टेलीकॉम कंपनियों में भी जो है अभी काफी इश्यू चल रहे हैं, सो टेलीकॉम कंपनियों से भी दूर रहिए, छोड़िए इसको। इंफ्राटेल, ये भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, तो इसमें भी देखिए कितनी भारी गिरावट आ चुकी है। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं नियर अबाउट 500 रुपीज का लेवल था, और 500 के बाद ये देखिए नियर अबाउट आप ये कितना लो लगा दिया है, ये देखिए 122 का लो लगा चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 70-75% ये स्टॉक जो है क्रैश हो चुका है, और इसमें भी जो है आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की सोचनी भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला। देखिए सिप्ला भी अभी आप रहने दीजिए, सिप्ला में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है फिलहाल। ये जो मैंने येलो कलर की जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके रखी हुई है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। अभी इसमें अगर ये सिप्ला 350 का लेवल क्रॉस करता है तो 350 के नीचे जो है इसमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया ये तो अभी बिल्कुल जाने दीजिए, सरकारी कंपनी है, ठीक है ना, काफी अच्छा कर रही थी, बट जो है अभी इसके फंडामेंटल काफी वीक हो चुके हैं, तो अभी इस स्टॉक के बारे में बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल मत सोचिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी तो एक अच्छा स्टॉक है, और जो है मतलब नियर अभी जो हमारे देश में जो है कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है, तो उसके चलते जो है फार्मा कंपनियां जो है मतलब अभी काफी अच्छा कर सकती हैं, तो फार्मा कंपनियों पे जो थोड़ा फोकस बना के रखिएगा, बिकॉज हर किसी को मेडिसिन चाहिए, और जो है हॉस्पिटल वगैरह में और जितने भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है मेडिसिन वगैरह की। आप देख सकते हैं जैसे आप सैनिटाइजर लेने जा रहे हैं तो आपको सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, मास्क लेने जा रहे हैं, मास्क की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी जो है मतलब इनका मतलब काफी समझ आप मतलब सीधे शब्दों में कहूं कि अभी इनका पैसे कमाने का टाइम है, और ये अच्छा मुनाफा इस समय कंपनियां बना रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें जो है इंट्राडे कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे भी अगर आप कर रहे हैं तो मतलब फोकस ज्यादातर बाइंग के साइड ही करिए, इसमें सेलिंग के साइड में फोकस मत करिए। नेक्स्ट है हमारा आयशर मोटर। तो आयशर मोटर भी देखिए काफी ज्यादा क्रैश हो चुका है, नियर अबाउट 34,000 के लेवल पर ये ट्रेड करता था, और आज जो है देखिए ये कितना आ गया है, नियर अबाउट 14,000 आ गया है। तो आप देख सकते हैं 50% से भी ज्यादा ये स्टॉक जो है टूट चुका है। तो अभी इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसके इसको बिल्कुल मत देखिए, आयशर मोटर अभी जो है इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल गलत स्टॉक है। जो मैंने आपको 10 स्टॉक बताए हैं उसमें आप फोकस करिए। अभी आपको अगर ये 13,500 का लेवल अगर आपको ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो आप इसमें जो है सेल साइड में जा सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। देखिए जो पोजीशन भी बनानी है ना, पोजीशन की बात मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मतलब आपने काफी दिन होल्ड करना है, स्विंग ट्रेड ओनली आई एम टेलिंग अबाउट ओनली फॉर स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड करिए 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज्यादा जो है मत रखिए, क्योंकि मार्केट में देखिए कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि कल को जो है शशिकांत दास ने जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने जो है रेपो रेट में जो है कटौती की, और जो है 0.75% रेपो रेट जो है डाउन किया। जबकि ये देखिए ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, बट पॉजिटिव न्यूज के बाद भी मार्केट ने आपको क्या दिखाया, मार्केट जो देखिए मार्केट में नए हैं उनको तो मतलब ऐसा होगा कि हाँ चलो न्यूज पॉजिटिव आई है और जो हम बाइंग कर लें, और आपने देखा कि क्या हुआ, नियर अबाउट 200-300 पॉइंट निफ्टी डाउन आ गई, क्रैश हो गई निफ्टी, ठीक है ना। तो जो है मतलब मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट किस तरह से चलती है वो चीज देखिए। कई बार पॉजिटिव न्यूज में जो है मार्केट गिर जाती है, कई बार नेगेटिव न्यूज में मार्केट उठ जाती है, तो चीजों को समझकर काम करिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आयशर मोटर अगर 13,500 का लेवल ब्रेक करती है तो आप जो है इसमें सेल का ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेल। गेल को रहने दीजिए, गेल को मैं देखता भी नहीं हूं। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम। ग्रासिम भी देखिए काफी टूट चुका है, काफी जो है ऊपर अपने हायर लेवल से, ये देखिए हायर लेवल जो इसका था वो 1300 रुपीज का था, और 1300 रुपीज से देखिए इसने अभी कितना बहुत ही ज्यादा तो क्रैश हो चुका है यार। इसमें भी जो है देखिए यहां पर इसने जो है बनाई तो एक हैमर कैंडल है, ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये हैमर कैंडल बनाई है, बट मैं अभी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जो है एडवाइस नहीं करूंगा, बहुत सारे स्टॉक हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक भी देखिए जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब आईटी सेक्टर से ये बिलोंग करती है, तो अभी मैं इसमें ये देखिए यहां देखिए ये मैंने एक सपोर्ट यहां पर ड्रॉ कर दी है, अभी ये भी जो है अपने बिल्कुल सपोर्ट पर खड़ा है, और इसका ये जो सपोर्ट है नियर अबाउट ये 400 रुपीज का ये सपोर्ट है। तो अभी जो है आपने इसमें भी जो है बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना, अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एचसीएल टेक में भी आप अभी जो है पोजीशन बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हाँ अगर ये 400 रुपीज का लेवल ब्रेक करता है तो मैं आपको लेवल दे देता हूं, 400 रुपीज के बाद जो है ये 350 का लेवल आपको क्लियर कट दिखाएगा, क्लियर कट। अगर ये 400 रुपीज का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 350 और 300 रुपीज का लेवल 100% श्योरली ये दिखाएगा, आप ये जो है चीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये इनके जो है ना फंड, ये हमारे देश की जो मैंने आपको 10 स्टॉक बताए हैं, ये मैंने आपको टॉप 10 बताए हैं जिनमें मैं खुद पोजिशन बना रहा हूं, जिसमें मैं खुद बाइंग कर रहा हूं। देखिए मैं जो बाइंग कर रहा हूं वो मेरा सिनेरियो 2020 का है, ठीक है ना। तो मैं मतलब अभी 40% में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, और अभी 60% मैंने इन्वेस्टमेंट और करनी है। देखिए मैं काफी पैसे ही मतलब डाल चुका हूं मार्केट में, ठीक है ना, और जो है मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने या साल में मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये डबल और मोर देन डबल ये हो सकते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट देखिए मैं जो भी मेरे
जो भी मेरे सज्जन मित्र जो है मुझसे फोन कर रहे थे या मैसेज मुझे कर रहे थे कि सर हम जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कौन से स्टॉक में करें किस में ना करें। कई लोगों ने तो बोला मैं कोल इंडिया में कर रहा हूं, कई लोगों ने कहा मैं गेल में करने जा रहा हूं, कई लोगों ने कहा मैं HCL या कई लोगों ने ITC भी बताया। तो मैंने उन स्पेशल ये जो है मतलब वीडियो जो है उन लोगों के लिए है, इसलिए मैंने जो है मतलब आज कोई स्पेशल का स्टॉक स्पेशल ना पकड़ के आज जो है निफ्टी और निफ्टी 50 में जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि आप लोग की सारी क्वेरी क्लियर हो जाए और आप लोग को पता लग जाए कि किन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है और किन स्टॉक से अभी दूर रहना है। तो HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल जो है काफी वीक है, हमारी ये देश के टॉप 3 बैंकों में आता है, ICICI, HDFC, एक्सिस, ये 3 जो है मतलब टॉप 3 बैंक है हमारे इंडिया के। तो आप यहां पर अगर चाहें तो 20-25% करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक मैं आपको यहां पर और टेक्निकल में ये करके दिखा देता हूं, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी ये देखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन है तो ये देखिए इसने ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इस टाइम ले रखा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर देखिए काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल भी बनी हुई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 25% अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीरो, तो हीरो में भी अभी जो है मतलब बिल्कुल मत देखिए, हीरो में भी इन्वेस्टमेंट करने का जो है सही टाइम मतलब अभी मुझको नहीं लग रहा है। बट ये जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ ये है 2003 टू मतलब ये 17 साल का ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई है, ये 70 ईयर्स की ट्रेंड लाइन है, मतलब वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है। और फिलहाल इसने यहाँ पर अभी सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद जो है इसने एक कैंडल बनाई है, बट ये कैंडल जो है एक डोजी टाइप की है, ये कोई ऐसी जैसे आपने HDFC बैंक में देखा या किसी और में देखा जहां पर डोजी कैंडल बन रही थी, सॉरी हैमर कैंडल बन रही थी, तो मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर था। बट इसमें जो है आप देखिए ये जो कैंडल आपके सामने है ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, तो ये जो डोजी टाइप की कैंडल्स होती हैं दिस इज द अनडिसीजन कैंडल। तो मतलब डोजी कैंडल में हम जो है अनडिसीजन जो है डिसीजन नहीं ले सकते, ये कई बार जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बनती हैं और कई बार जो है मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मिले तो वहां पर ट्रेंड रिवर्स करने के लिए बनती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच की जो है सिचुएशन है, तो अभी जो है इसमें इसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट है हमारा हिंडालको, तो हिंडालको को भी जो है अवॉइड करिए, हिंडालको में भी अभी जो है इन्वेस्टमेंट करने का कोई टाइम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी एक अच्छा स्टॉक है और काफी जो है इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं ये एक चैनल में काम कर रहा था, तो चैनल यहां पर ब्रेक किया, बट चैनल ब्रेक करने के बाद जो है मतलब नीचे की तरफ नहीं आया, ठीक है ना। तो मतलब देखिए अगर जो है इंडिया की सिचुएशन और खराब होती है तो ये स्टॉक भी टूट सकते हैं। देखिए ये एक जो है जैसा आप जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये स्टॉक आपने देखा कि मतलब मार्केट सारी कितनी ज्यादा क्रैश हुई है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसा कुछ भी मतलब देखने को नहीं मिला कि मार्केट कोई ज्यादा क्रैश सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है मतलब इतना ज्यादा कोई क्रैश हुआ हो, ठीक है ना। इसने देखिए हाई लगाया था 2300 रुपीज का, 2300 रुपीज के बाद आज भी ये 2140 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चाहें तो आप 2300 रुपीज के ऊपर आप जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं। हाँ अगर पोजीशन भी करना चाहें 2-4 दिन के लिए तो आप 2300 रुपीज के ऊपर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसको भी अगर आप चाहें इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तब भी आप 2300 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकलता है तो आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक, HDFC बैंक में आप बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है और जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग ये स्टॉक है। ये देखिए यहां पर जो है एक सपोर्ट पर आकर जो है खड़ा हुआ है, ये देखिए ये जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर इसको ये सपोर्ट मिला हुआ है। और सपोर्ट मिलने के बाद देखिए जैसा कि मैंने आपको आपको थोड़ी देर पहले बताया हीरो मोटोकॉर्प में कि वहां पर जो मतलब जो सपोर्ट पर जो कैंडल बनी हुई है वो डोजी टाइप की थी और जो मतलब अनडिसीजन कैंडल थी, और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें बाइंग देखिए कितनी है, ठीक है ना। और प्लस एक इसमें वॉल्यूम जरूर ऐड कर लिया करिए, ठीक है ना। अभी मेरा जो है अभी मैं छोटी स्क्रीन पर अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मतलब अभी वॉल्यूम करूंगा तो आप लोगों को जो है मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए अभी वॉल्यूम नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब आप HDFC में जो है आप 25% अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 25 या 50 भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है ये। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक, ICICI बैंक भी देखिए कितना ज्यादा क्रैश हुआ है, उम्मीद नहीं थी मेरे को इतनी कि ये ICICI बैंक भी इतना क्रैश हो सकता है, बट देखिए मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल एक सपोर्ट पर खड़ा है, और यहां पर अगर हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये देखिए इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो मतलब दिया, बट ये जो है सपोर्ट पर आ गया है तो इस लाइन ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां पर ये देखिए
ये भी देखिए कितना अच्छा है कि हैमर टाइप की कैंडल इसने मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने बना रखी है। तो आप यहाँ पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी, इसको रहने दीजिए, आईटीसी में बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मतलब है तो मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट मतलब शेयर भी जो है इसका काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी जो है इसको रहने दीजिए। आईओसी पेट्रोलियम कंपनी, देखिए आईओसी एक पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है ना। अभी मैं इसका जो है ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अरे भाई क्या कर रहे हो यार, सीधा सीधा चलो ना। तो ये ट्रेंड लाइन जो है मतलब उतनी सुटेबल नहीं मानी जाएगी, छोड़िए मैं इसको जो है थोड़ा पीछे से ये इधर से ले लेता हूँ, 2003-2004 से, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें ये सपोर्ट पर है कि कहाँ पर है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अभी इसको भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 66 और 67 रुपीज़ के नियर अबाउट, मतलब 65 आप मान सकते हैं। तो 65 के नियर अबाउट अभी इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है। बट इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत, ऐसे स्टॉक में बिल्कुल मत जाइए, जो है आपका पैसा जो है काफ़ी जो है डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी देखिए मतलब इतना ज़्यादा क्रैश हुआ, इतना ज़्यादा क्रैश हुआ, ये देखिए आप, ठीक है ना। कहाँ पर ये आप जैसे स्टॉक देखते थे 2000 के नियर अबाउट ये जो है ट्रेड करता था, और अभी जो है मतलब बहुत इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका है कि आपको, आप तो खुद देख ही रहे हैं एक एक दिन में कितनी कितनी मूवमेंट हो जाती है। बट आजकल मतलब 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा लोगों ने जो है इसमें बाइंग जो है करनी चालू की है। तो आप जब बाइंग करते हैं तो बाइंग करने के टाइम में नियर अबाउट कम से कम जो है मतलब FII और DII की पोजीशन भी जरूर देख लिया करिए कि मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं। देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में चलेंगे तो फिर आप पैसे बनाएंगे, नहीं चलेंगे ट्रेंड मतलब उनके अगेंस्ट चलेंगे तो पैसे आप यहाँ पर नहीं बना सकते। तो फिलहाल इंडसइंड को भी अभी छोड़िए, इस इंडसइंड में भी अभी जो है ट्रेड नहीं, अपना सॉरी पोजीशन नहीं बनानी है। नेक्स्ट है हमारा इन्फी। इन्फी में पोजीशन बना सकते हैं 25%, आपने 25% की जो मतलब आपके मैंने 4 पार्ट बताए हैं तो आप वहाँ पर 1 पार्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, इन्फोसिस में अगर 500 रुपीज़, 500 एक मतलब इनका समझ लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल है, 500, 1000 रुपीज़, तो 500 के जो है इसको सपोर्ट है। अभी अगर 500 का लेवल ये ब्रेक करता है इन्फोसिस तो इसमें जो है हम जो है 475 और 450 के लेवल जो है क्लियर कट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा JSW स्टील। तो JSW स्टील भी देखिए अपने यहाँ पर एक सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है, मैं आपको यहाँ से पूरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए देखिए JSW स्टील भी जो है अपने इसका जो सपोर्ट है वो नियर अबाउट 150 का है। तो 150 के पास आकर इसने एक हैमर कैंडल बनाई है, बट हम जो है ऐसे स्टॉक में जो है नहीं जाएंगे, हम फंडामेंटल जिसके काफ़ी स्ट्रांग है उन स्टॉक में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोटेक महिंद्रा बैंक। तो कोटेक महिंद्रा बैंक भी देखिए सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है ना। तो आप अगर पैसे लगाना चाहते हैं तो कोटक बैंक में जो है आराम से लगाइए, अच्छा समय है कोटक बैंक में जो है इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पर भी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैंडलें किस तरह से बन रही हैं, यहाँ पर देखिए जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें देखिए इस वीक में कितनी ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है ना। हाँ अगर ये 1000 का लेवल क्रॉस करके नीचे की तरफ जाती है फिर तो आप इसमें इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। 1000 का लेवल मतलब आप ध्यान से सुनिए, 1000 का लेवल नीचे की तरफ कुछ देर तक सस्टेन हो जाता है, कुल कुछ 5-10-15 मिनट की कैंडलों की जो है 1000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, फिर आप इसमें जो है इंट्राडे में सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पोजिशनल देख रहे हैं तो इसमें जो है आप 25% की अमाउंट अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LT। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। तो अभी इसमें भी जो है LT में भी हम इसे फोकस नहीं करेंगे। देखिए कैम हैंडल यहाँ पर कैंडल तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है जो है सपोर्ट पर, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ये जो निकल के आ रहा है मैं आपको पूरा छोटा करके दिखा देता हूँ। और इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ व्हाइट वाले को, फिर आपको येलो वाला जो है मतलब काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लॉन्ग टर्म की ड्रॉ करके रखी हुई है, और ये जो भी 2008 में जो क्रैशेज हुई थी ये 2008 की क्रैशेज से लेकर मैंने 2020 तक का मतलब ट्रेंड लाइन से मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, बट अभी इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रहने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा MNM, ठीक है। MNM एक अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक
ठीक है ना। तो अभी इसको भी छोड़िए, इसमें भी मतलब इसमें कोई खास मुझे पावर नहीं दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा मारुति। मारुति ये देखिए, आप जो है नियर अबाउट 10,000 के नियर अबाउट ये स्टॉक ट्रेड करता था और इसने जो लो लगाया वो आप देख सकते हैं 4,000 रुपीज का। तो नियर अबाउट 60% की इसमें जो है गिरावट हो चुकी है। और मेरे हिसाब से अभी अगर 4,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 3,700 और जो है 3,500 के लेवल ये आपको क्लियर कट दिखाएगा। अगर 4,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ऐसा ना हो कि आप जाते ही मार्केट में सेलिंग कर दीजिए, ठीक है ना। जो मैं लेवल बताता हूँ पहले उस लेवल को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मतलब जो है कुछ कुछ भी करना हो तो करिए, ठीक है ना। बाद में आप मुझको नहीं ब्लेम करना कि सर आपने तो सेल बोला था। अरे भाई सेल तो बोला था, लेकिन किस लेवल के नीचे बोला था, कहाँ बोला था, वो भी तो आप ध्यान से सुनो ना। कई लोग ऐसे कर देते हैं, बाद में ब्लेम करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तब आप इसमें जो है 3,700 रुपीज और 3,500 रुपीज के लिए जो है पोजिशन बना सकते हैं। बाइंग फिलहाल बाइंग की बात इसमें जो है अभी कुछ भी नहीं है, बाइंग नहीं करनी है इसमें अभी। नेक्स्ट हमारा NTPC, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा नेस्ले। तो नेस्ले ये देखिए, नेस्ले भी जैसा कि आप देख सकते हैं सभी स्टॉक में जो है कितनी ज्यादा क्रैशेज हुई है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा क्रैशेज हुई सभी स्टॉक में। बट ये जो खाने पीने वाली जो कंपनियां हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने आपको दिखाया और अभी आप देख रहे हैं नेस्ले इंडिया, तो ये भी जो है मतलब कंजप्शन कंपनी है, मतलब हम इनकी चीजें कंजप्शन करते हैं, इनकी चीजें खाते पीते हैं। तो इन सब जो चीजों में जो है FMCG कंपनियां जिसको हम बोल कहा जाता है, तो आपको मैं मतलब सीधी और सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। FMCG का मतलब ये होता है कि मतलब जो ऐसी कंपनियां जो हमारे लिए खाने पीने की चीजें बनाती हैं और जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम FMCG कंपनियां कहते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको बताया, देखिए उसमें जो कि देखिए इस समय हमारे देश में 21 डेज का लॉकडाउन है, लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, पीछे से जो है सामान महंगा हो रहा है। तो ये जो देखिए आटा दाल चावल ये तो हर आदमी ने खाना ही खाना है, तो ये जो है न खाने पीने वाली कंपनियां ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं। सो इनके स्टॉक में जो है मंदी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि मेरे हिसाब से अभी नेस्ले अगर आप देखें अगर 16,000 या सॉरी 17,000 70,000 रुपीज का लेवल क्रॉस करता है तो आपको बहुत ही जल्दी 20,000 के लेवल भी दिखा सकता है। तो नेस्ले भी एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। नेक्स्ट है हमारा ONCG। हाँ ONCG में भी अभी जाने दीजिए। रिलायंस, चलिए रिलायंस के बारे में बात करते हैं। रिलायंस भी जैसा आपने देखा कि ये नियर अबाउट 1,600 रुपीज तक ये गया था, अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 2 to 3 months बिफोर 1,600 रुपये तक गया था। और 1,600 रुपये के बाद जैसा कि आपने यहाँ पर आप देखिए कि इसका लो कितना लगा 875 रुपये का। तो नियर अबाउट रिलायंस जैसा स्टॉक भी 50% जो है गिर गया। रिलायंस जैसा स्टॉक जो कि मतलब टॉप का स्टॉक माना जाता है अपने इंडियन शेयर मार्केट में, तो वो स्टॉक भी 50% तक गिर गया है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 25% का आप यहां पर अगर चाहें तो 50% पैसा भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, आज नहीं तो कल जो है आपको पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना भी करके जा सकता है। देखिए मैं इसमें 2-3 ऑप्शन आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 2008 की क्रैशिज का है, जब रिलायंस 824 रुपये से जाकर 229 या 230 रुपये के नियर अबाउट आया था, मतलब उस टाइम जो है 60 to 70% इसमें जो है क्रैशिज हुई थी। तो अभी जो है रिलायंस में जो है नियर अबाउट 50% क्रैशिज हुई है। और ये देखिए इसका जो लो लगा हुआ है कितना है 872 का, अभी अगर लेवल टूटता हुआ आपको दिखता है तो इंट्रा डे में ध्यान से सुनिएगा, इंट्रा डे में आप कोई थोड़ी मोड़ी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जिस टाइम आपको ये स्टॉक 550 के नियर अबाउट दिखता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 550 का है, और यहाँ पर जो है मैं एक आपको ये भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसका सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है। तो ये भी जो है 550 पे ही आ रहा है। देखिए 550 के पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। अभी आप इसमें 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और अगर कहीं जाकर ये स्टॉक आपको 550 के पास मिलता है तो आप जितना चाहें उतना इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा श्री सीमेंट। तो अभी देखिए कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह तो सारे बंद पड़े हुए हैं, सारी लेबर जो है मतलब आपने जैसा TV चैनलों में देखा कि सारे गांव जा रहे हैं,
मतलब कंस्ट्रक्शन के काम बंद है, तो अभी सीमेंट वगैरह तो यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो है इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए लॉजिकली चलिए, ठीक है ना, चीजों को समझिए कि किस चीजों की डिमांड बढ़ रही है, किन चीजों के भाव बढ़ सकते हैं, किन चीजों के जो है भाव गिर सकते हैं, किस चीजों की मतलब सप्लाई डिमांड पर ये मार्केट काम करती है। तो इन चीजों पर फोकस करेंगे तो जो है मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर जो है बहुत जल्दी बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सनफार्मा। सनफार्मा भी देखिए, ये एक जो है फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी मीन्स दवाई बनाने वाली कंपनी है, तो ये दवाइयां बनाती है। तो इसके मतलब फंडामेंटल इतने ज्यादा मतलब ये स्टॉक मेरे को भाता नहीं है, तो इसलिए मतलब मैं किसी को बाय करने की सलाह नहीं देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस। टीसीएस भी जो फंडामेंटली जो काफी स्ट्रांग कंपनी है, तो ये भी देखिए काफी क्रैश हुआ, नियर अबाउट 2300 रुपीज टू 1500 रुपीज। तो मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, ये नियर अबाउट 1400 रुपीज के नियर अबाउट निकल के आ रहा है। मैं यहां पर भी एक सपोर्ट ढूंढना चाहूंगा, ये जो सपोर्ट है ये लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर जो है देखिए, जो मैं आपसे अक्सर बात करता हूं मल्टी कंफर्मेशन के बारे में, तो यहां पर देखिए आपको एक मल्टी कंफर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है और यहां पर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो अगर आपको ये स्टॉक जो है 1400 रुपीज के नियर अबाउट मिले, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर, इसको भी नहीं देखना, टाटा स्टील इसको भी नहीं देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसा मैंने आपको बताया अभी सीमेंट कंपनियों के बारे में कि कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही है, तो फिर मतलब इन स्टॉक में जो है अभी इसको रहने दीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने कोई फायदा नहीं है। वेदांता जाने दीजिए। विप्रो, विप्रो में देखते हैं, विप्रो भी देखिए एक जो है बिल्कुल सपोर्ट पर अपने खड़ा हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर इसका सपोर्ट था, ठीक है ना, यहाँ से जब इस यहाँ पर आया है तो बाउंस बैक करके नियर अबाउट 250 तक गया है, मतलब कहाँ से गया है 152 250 गया, 100 रुपीज यहाँ से गया है। उसके बाद फिर जो है मतलब जब ये 150 पर आया है, 150 से जो है फिर ये 300 रुपीज के पर गया है, मतलब यहाँ पर स्टॉक डबल हुआ है। अभी आपको फिर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 25% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहूंगा। जो मैंने आपको 10 स्टॉक बताए हैं आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होप जो है आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें जो है समझ में आई होंगी, और जिन लोगों की क्वेरी थी उन सबको जो है अपना आंसर मिल गया होगा कि किन स्टॉक में ट्रेड करना है, किसमें पोजीशन बनानी है, किसमें पोजीशन नहीं बनानी है। देखिए पैनिक मत होइए इस मार्केट में, ठीक है ना, पैनिक होंगे तो पैनिक होने से जो है आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आपको मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, और इंट्राडे में ट्रेड करने के बाद जो है आप किसी स्टॉक में पैनिक हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं, और वही स्टॉक जो है बाद में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके देता है, फिर आप जो है पछताते हैं। तो मतलब इस मार्केट में देखिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है तो समझ लीजिए सारा प्रॉफिट आपकी जेब में आने वाला है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप जो है मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है चीजों को ध्यान से सीखिए, समझिए। अभी देखिए 21 डेज का लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में जो है घर में बैठिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, कीप स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो हमारे लिए कर रही है काम, बहुत कुछ कर रही है, हमको भी अपना योगदान डालना है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और देखिए अभी 21 डेज का आपके पास टाइम है, आप चाहें तो मतलब चीजें सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करिए कंटिन्यू, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी अगर देखिए हमारा जो है एक लर्निंग कोर्स है जिसमें हम प्रोफेशनल ट्रेडर जो है हम निकालते हैं, यहाँ से प्रोफेशनल चीजें सिखाते हैं। और जो है इस कोर्स में क्या होता है, देखिए एक तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जो है डेली आपको कॉल दी जाती हैं, और वो कॉलें ऐसी होती हैं जो मतलब मल्टी कन्फर्मेशन कॉलें होती हैं, और उसमें जो से जो है आप अच्छा पैसा डेली बनाते हैं। तो मतलब इसको हमारा जो इसको है हम कहते हैं इसको लर्निंग एंड अर्निंग कंसेप्ट, मतलब आप यहाँ पर एक तो आप लर्न तो कर ही रहे हो, चीज सीख भी रहे हो, ट्रेनिंग ले तो रहे हो, और डेली का डेली पैसा भी बना रहे हो। तो ये हमारा लर्निंग एंड अर्निंग कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर आप जुड़ना चाहें तो जरूर जो है मेरे नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल में मैं चार्ट वगैरह सेंड करते रहता हूँ, कॉल वगैरह देते रहता हूँ। तो अगर आपको सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ से फ्री में सीख सकते हैं। वहाँ पर जो है चार्ट जिस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, उन जाइए उन चार्ट को देखिए किस तरह से टेक्निकल जो है काम करते हैं, किस तरह से चीजें काम करती हैं, लॉजिकली जो है सोचिए, ठीक है ना।
हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है, हवा में तीर चलाएंगे तो पैसे सारे जो है बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, और अगर आप तक अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।